हेलो दोस्तों, हाल ही में अफ्रीका के गाम्बिया देश में भारत में बनी कफ सिरप से कई बच्चों के मौत की खबर सामने आई है। WHO ने भारत में बने 4 कफ सिरप को बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताते हुए चेतावनी जारी की है। दोस्तों, दावा ये है कि इन कफ सिरप से गाम्बिया देश में 66 बच्चों की मौत हो गई है। गाम्बिया के डॉक्टरों ने जांच में बताया कि इन कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथाइलीन ग्लाइकोल की मात्रा मानक मात्रा से ज्यादा पाई गई। दोस्तों, ये एक प्रकार के कार्बन कंपाउंड होते हैं जिनका इस्तेमाल कफ सिरप में फ्लेवर बढ़ाने या मीठा बनाने के लिए किया जाता है, जिससे बच्चे इसे आसानी से पी सके। लेकिन दोस्तों, इन कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथाइलीन ग्लाइकोल की मात्रा मानक मात्रा से ज्यादा होने से बच्चों की किडनी में समस्याएं पैदा होने लगी, जिस कारण उनकी मौत हो गई। फिलहाल WHO ने इन 4 सिरप पर बैन लगा दिया है, जो कि इस प्रकार है। पहला है इसमें दोस्तों प्रोमिथाजीन ओरल सॉल्यूशन कफ सिरप, दूसरा है कॉफ्स मैक्समेलिन बेबी कफ सिरप, तीसरा है इसमें मैकॉफ बेबी कफ सिरप और चौथा है इसमें मैग्रीप एंड कोल्ड सिरप। ये चारों सिरप को हाल फिलहाल में WHO ने बैन कर दिया है। दोस्तों, आप भी अपने बच्चों को कफ सिरप पिलाते समय डॉक्टर की सलाह जरूर लें तथा दवा कंपनी का भी ध्यान रखें। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।